की आवाज ना यहीं से आई थी। अरे बंटी तू इतने का कर रहा हूँ? आंटी मैं गिर गया हूँ। तो फिर चीखा कौन था? मैं ही चीखा, मेरी लगी है तो। हाँ मैं खड़ा रह दिया। चलो यार मम्मी स्याप्पे हैं बाय गॉड। चीख कैसे निकल गई तेरी? अरे जल्दी जल्दी मैं तुम्हें चाबी दे भी आ रहा हूँ, तुम्हारी गेट से अटक के गिर गो, चीख निकल गई। सुन वक्त पे वक्त मत चीखियो, समझ रहा तू? अगली बार अगर चीख निकले ना तो अंदर ही अंदर चीख लियो। ला चाबी दे। और पहले भिजी हुई जींस जल्दी। से कह रही अंदर चीखे कर, खुद की नीति चीखे भागी है। तो क्या खिल्ली बाजी कर रही हो पापा? क्यों फोन कर रही हो मुझे? अरे मैं कहाँ कॉल कर रहा हूँ, देखियो हाथ कहाँ पे मेरे। तो क्या तुम्हारा फोन मेरे फोन को अपनी मर्जी से रिंग मार रही है? कैसी बातें कर रही है लूंडे, हैं? मेरा फोन में मेरा फोन कहाँ है भाई? अबे मेरा फोन कहाँ गया? तो कॉल कौन कर रहा है? अबे मुझे क्या पता कौन कर रहा है? यही कर रहा है, जस्ट किडिंग कर रही है मेरे साथ। कैसी बातें कर रहे हैं लोंडे? देख हाथ जे रहे मेरे। तो ये फोन क्यों आ रही है मुझे? मुझे क्या पता? अबे यार नन्ने लोंडे जी, आपका फोन आपको ही नहीं पता कहाँ है? अरे फोन तो उठा लो यार। लिफ्ट इट, लिफ्ट इट। हेलो हेलो, तेरी बेटी है बहुत होशियार, ऊपर वालों के चक्कर छुड़ा दिए थे नन्नेस फैमिली के। हाँ तो मैं नहीं चाहती थी कि उन मनहूसों का साया भी पड़े मेरे शादी के किसी भी फंक्शन पे। सही कह रही है। अरे अब तक तो वो लोग गोवा के फ्लाइट में बैठ गए होंगे। हाँ हाँ और क्या। अरे छोड़ो उन मनहूसों की बात, मैं तो ये कह रही हूँ कि मम्मी मुझे जरा जल्दी से बताओ कि जब मुझे वो लड़का दिखने आएगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूँ। तू एक काम करियो, लड़के को ना सब दिखाने ले जाइयो। By God. क्या पापा घर पे दिखाने के लिए सब छत्ती है हमारे पास? तो क्या कुतुब मीनार बनवा दूं बेटा? पापा जितने पैसे आपके पास है ना, दो चार ऐतिहासिक इमारतें तो बना ही दोगे आप। पहले एक ऐतिहासिक इमारत से शादी कर चुका हूँ जिसने मेरी सारी उम्मीदें नोच ली हैं। समझ गए तुम लोग? सब समझ रहे हैं बेटे। टोटली लीरो, तुमको गोवा का लॉलीपॉप पकड़ाकर खुद शादी करने चली थी, नॉट प्लीज मैडम। लेकिन जब इन मनहूस लोगों की वजह से हमारे घर में खुशियों के चिराग नहीं जल पाते तो ये लोग खुशियां कैसे मना सकते हैं? चल बेटे गाड़ी घुमा ले, अब देखना मैं इनके फंक्शन की बैंड कैसे बजाता हूँ, तुम देखना बस। अब गाड़ी तो घुमा लेंगे भाई साहब, लेकिन सवाल ये है कि नन्ने सॉरी अंकल जी का फोन मिलाया किसने? अरे कुछ नहीं, हमारे मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं मम्मी, एक्चुअली क्या है ना, पापा को मैं बोल रही थी कि ऐतिहासिक इमारत बना दो, वो ताजमहल जैसी। पता है ताजमहल में एंट्री करने के लिए ना हजार रुपए लगते हैं, बहुत पैसा कमाएंगे ये। मतलब पहले मैं ताजमहल बनवाऊं उसके बाद तेरी शादी करूं? अरे नाना, ताजमहल बनाने तक तो हमारी लल्ली साजा जितनी उम्र दराज है जाएगी। इधर आ,
अरे तू तो ऐसे गुस्सा हो गई जैसे सारी उम्मीदें नोच ली तेरी किसी ने। अरे बस कर, तू तो रेलगाड़ी चला बैठी एकदम। ले दाल ले। अरे रे, अरे बेटा धक्का मार ही बेटा। अरे अरे रे, अरे रे, अरे अरे सही है। आई बेटी ले ले। अरे अरे मैं तो गया भी। अरे बेटी आ जा मेरे लौंडे, आ जा अच्छा मेरे लौंडे, आ शाबाश। ना 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 तेरे हंसे जब होए दुश्मनों को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हमने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अब हम अंदर जाएंगे चुपके से और छिप जाएंगे जैसे कि हम हैं ही नहीं। लौंडा मेरा गोल्डन है बेटा। जीजा कोई मुझे उस तरफ कुदा दे, somebody flip me। मम्मी पीछे छूट गई बाबा, खींचो ना। क्या बकवास कर रहा है यार, मुझसे न खिंचेगा नहीं माल। छटा नानी, हाँ नॉनसेंस क्यों बोल, क्या हुआ, ये खराब पानी फेर दोगी क्या। गुल्लू तू उस तरफ कूद, घोड़ी बन, मम्मी तुझ पे चढ़ के इधर आ जाएगी। जा चल बेटे। नहीं मतलब तुम चाहते क्या हो, इस दुनिया से कुंवारा ही चले जाऊं मैं, मेरी कोई इच्छा पूरी मत होने देना। नाटक बंद कर नन्हे। हाँ बेटे पापा खींच लो मम्मी को प्लीज। इस ओके। हाँ बेटा तू जाने यार, मुझ पर तो, मैं तो दिल पसली इंसान हूँ। पापा तुम्हारा डील डॉल देखकर ऐसा लगता नहीं है, लगता कम से कम 150 पसलियाँ तो होंगी तुम्हारे अंदर। तो लगता है इनके अंदर मास ही मास है, पसली तो एक भी नहीं है। बच्चे भैया ठूसा मार के तेरी नाक का बाजा फाड़ दूँ। चुप करो, क्वाइट। एक दूसरे की हड्डी पसली गिनते रहोगे क्या, मुझे कोई कुदाएगा कि नहीं। मम्मी तुम्हारा बेटा तुम्हें कुदाएगा। अरे चौधरी साहब आजकल लड़के लड़कियों की कमी नहीं है। अरे जनाब हम तो बैठे हुए हैं लोगों की शादियां करवाने के लिए। लेकिन आज के बाद कोई शादी नहीं करवा पाओगे। सीपी बेटा तुम कब आई? कहा था ना मैंने कि मेरी शादी का ड्रामा क्लोज कर दो ना, बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। अरे बेटा मैंने रिश्ते की बात क्लोज कर दी थी। मेरे घर पे मुझे लड़का देखने आ रहा है और मैं जानना चाहती हूँ रिश्ता किसने करवाया है। बेटा मैंने आज तक जितने रिश्ते करवाए सब रिश्तों की कसम खा के कहता हूँ ये रिश्ता मैंने नहीं करवाया। ऐसे कब तक दूध सेकते रहेंगे? ऐसे कब तक दूध सेकते रहेंगे? आगे क्या करना अब? आगे वो करना है गुल्लू जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब ऐसा क्या करना है? देखो डर लगता है मुझे, खून खराब है बहुत। अबे क्या हम का चम्मल से वो रखे बातें कर रहे, खून खराब है। करना क्या है? व्हाट टू डू, व्हाट टू डू? इस लड़की ने बाप, क्या नाम है इसका, टीपी सीपी ने क्या किया था जब रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे? भांजी मारी थी, किल द नीस। ना, भांजी तो बाद में मारी थी, पहले तो उनकी शक्ल देख के भाग गए थे। सर पे दे रही है मिला मिला के। मैं खराब लगता हूँ क्या मम्मी? मैं एक छह से झापड़ मारूंगा तेरा बाजा फट जाएगा। मेरे लौंडे कुछ नहीं बोलियो, लौंडा मेरा गोल्डन है। हां माय गोल्डन बॉय। बोलो। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है। हाय हाय आंटे में बताओ।
अरे बंटी, बंटी। अरे कहाँ भाई, वो सीढ़ी कहाँ? सुनिए जरा जल्दी आ, मैं कह रहा हूँ सुन, लड़के वाले आ रहे हैं, तो अंदर जाके खाने पीने का आइटम देख सब ठीक ठाक है या नहीं, और टेबल पे अच्छा सा कपड़ा बिछा दियो, समझ रहा है? तुम भी कछु कपड़ा बिछा लो। बंटी। हाँ? हाय, कैन यू ब्रिंग मी एन एस्प्रेसो? यार कभी एक्सप्रेस भी कर दिया कर, हमेशा एस्प्रेसो मांगती रहती है, तेरे चक्कर में ना देख नौकर बना फिर रहा हूँ मैं पूरे घर में। तो यार कर लेना थोड़ा सा काम, घिस तो जाएगा नहीं तू। तेरे प्यार में ही कर रहा हूँ बस, देख ले। बंटी क्या कर रहा है तू तितली के साथ बकवास, जाके देखना खाने पे का इंतजाम कैसा है। तितली बेटा ये बता सीपी रेडी हो गई या नहीं? हाँ जी अंकल जी ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा चलो ये अच्छा लगता है, लड़के वाले आ गए हैं। सैफी सैफू, अरे यार हाँ सैफ, ओहो कैसा नाम रखा है इस औरत ने, जब भी इसका नाम लो जल्दबाजी में ज़बान पे तैमूर के पापा का नाम आ जाता है। का है गो, हाँ का ही चिचिया रे, छोरी के तैयार कर रही हूँ ना। अरे लड़के वाले आ गए भाई हैं, एसीपी जल्दी आ जा छोरा आ गो। अरे बेटा सीपी एक बार तू ऐसे खाली हाथ जाएगी क्या लड़के के सामने, ये बता। तो का छुरा दे दूं हाथ में? देख तू इस टाइम पे ना ये छोरा और तमंचे की बात मत किया कर। हाँ मम्मी लास्ट टाइम जो लड़का मुझे देखने आया था ना, और जोरावर मामा भी यहीं पे थे, पता है उन्हें देखी वो बेहोश हो गया था, और जब वो होश में आया था ना तो पता चला कि बताइयों तो बबराला वाली जो बस थी ना उसके बीच में जो मामा लूटपाट मचा रहे थे उसमें उसके मम्मी पापा और वो भी थे। ऐसी है तेरी फैमिली, डक है। But I love you. Excuse me. राजकुमार, मम्मी जैसे बचपन में आप मुझे वो राजकुमार वाली कहानियां सुनाती थी ना, एकदम राजकुमार जैसा लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही। ओह माय गॉड मम्मी, बिना किसी शक के मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मुझे ये पसंद है। बहन जी मैं उनका ड्राइवर हूँ, साहब बाहर हैं। By God. इतनी बार कही तो से, हाँ? इतनी उतावली ना हुआ कर। ड्राइवर जी ये बताइए साहब आ गए क्या? जी हाँ साहब आ गए, उन्होंने ही मुझे भेजा है पूछने के लिए वो अंदर आ जाए। अरे अंदर आने के लिए तो आए हैं, जाओ जाके उन्हें बुला लो, जल्दी से बोलो कि अंदर आ जाए वो। ओके जी। एक मिनट जाओ भैया राहु काल चल रहा है, एक मिनट अभी। अच्छा एक काम करो, दो मिनट में उन्हें लेके आना, तब तक उन्हें बुलाने जाओ, जाओ धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे थोड़ा और धीरे धीरे भाई। वेरी गुड, वाह जल्दी आ जा, सब इंतजाम करने हैं तू भी ना। अच्छा सुन मैं क्या कह रहा हूँ, जिसका ड्राइवर इतना सुंदर है वो खुद कितना खूबसूरत होगा, I just can't wait to see him, Tintu. भले वो दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का क्यों ना हो, से तेरी शादी नहीं होने दूंगा मैं बिलौटी। मैं ये कह रहा था जल्दीराम जी कि मुझे लगा आप बहुत बुजुर्ग होंगे, लेकिन आप तो अभी भी उग रहे हैं। अरे हमारी छोड़िए साहब, आपने तो हेलमेट में बाल उगा रखे हैं। हम भी तो इंट्रो कराओ। मीट शी इज माय वाइफ।
व्हाट इज योर नेम? अरे प्रेमचंद जी कह रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद, कि भाई नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने कहा है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, किसी ने तो कहा है कि नाम में क्या रखा है। वैसे आप इन्हें किसी भी नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन्हें किंग जॉर्ज द्वितीय के नाम से पुकार सकता हूँ। हमारा नाम सोफिया है गो। सीपी ब्लश। लो, जिस तरह से जब आपको देख रही है ना, मुझे लगता है कि ये ख्यालन में जाके हनीमून भी मना के आ गई हैगी। सीपी बेटा, सीपी, ये मेरी लड़की है। अच्छा जी, मुझे लगा ये लड़की की दादी है। और ये हमारे साहबजादे चंद्र प्रकाश। सर, शॉर्टकट में सी पी। बेटा सी पी, जा चंद्र प्रकाश को खेत दिखा ला जा। भाई साहब, आपने यहाँ खेती कर रखी है? मैं देखिए किसान का बेटा हूँ, जब भी मेरे हल्की धार कमजोर हो जाती है तो मैं छत पे जाके खेती कर लेता हूँ, और इस प्रकार मैं अपने अंदर के किसान को संतुष्ट कर लेता हूँ। ये बढ़िया है। चले जी। सीपी शाय। फार्म हाउस है। नाइस। आप खुद ही हल चलाती है? नहीं नहीं, वो मजदूर रखे ना, वो आके काम करके चले जाते। अच्छा, आपने अपना नाम नहीं बताया। आपका नाम क्या है? अभी बताया ना नीचे, चंद्र प्रकाश, शॉर्ट में आप मुझे सी पी कह सकती। और आपका नाम? आप भी मुझे शॉर्ट में सी पी बुला सकते हैं। नहीं मतलब सी पी का फुल फॉर्म? कनॉट प्लेस। आप नाम क्या बताया आपने अपना? हमने अभी नाम ही नहीं बताया आपको। तो आप बता दीजिए। हमारा नाम है बनवारी लाल बंसल, और ये मेरी बीवी हैं अग्नि बंसल। अच्छा, फिर तो आप अक्सर जल जाते होंगे। ये पूरा घर आप ही का है? ये हमारा ही है पूरा घर। कितने गज में है? तकरीबन होगा 1000 गज तो होगा ही। कमरे कितने बड़े बड़े? बहुत बड़ो बड़ो है। इतने बड़े होंगे कि कुछ दिन को दंगल करवा लो। हॉल कितना बड़ा है? देखिए, जिस तरीके से आप मेरे घर के बारे में पूछताछ कर रहे हैं ना, उससे आप बनवारी कम पटवारी ज्यादा लग रहे हैं।
एक्सक्यूज मी सर, आपके यहाँ बाथरूम कहाँ है? अरे आप बाथरूम के बाहर खड़े होकर सीटी बजाने वाले हैं क्या? नहीं नहीं बस ऐसे ही। हाँ तो अरे अरे यहीं से बता दीजिए चला जाएगा। कौन सा बच्चा है ये? कहाँ जा रहे हैं? बैठो इते। अगर ये भूतिया कमरे में घुस गया ना तो सारी उम्मीदें नुच जाएंगी। वैसे जाना कहाँ है? यहीं से बता दीजिए। अच्छा सुनो, ऐसा है यहाँ से तुम सीधे जाओ और वहां से लेफ्ट लेना, वहां से जो सेकंड दरवाजा हो ना उसके अंदर चले जाना, ठीक है? ओके सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।